प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आज मैं क्लास टेंथ की बात कर रहा हूं। क्लास टेंथ का लास्ट टॉपिक चल रहा है। मैं आशा करता हूं आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे और टीचिंग एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज का लाभ ले रहे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आप इन क्लासेज का घर पर अभी से लाभ ले रहे हैं, निश्चित रूप से भविष्य में इनका आपको बेहद लाभ मिलेगा। जैसे ही आपकी ऑफलाइन क्लासेज प्रारंभ होंगी, जैसे ही आपके स्कूल प्रारंभ होंगे, जब आप पढ़ोगे ऑफलाइन क्लासेज में तो आपकी समस्याएं बिल्कुल ही न्यून रहेंगी। आप अपने आप को प्रिपेयर कर चुके होंगे। ये जो इनोवेशन कार्य किया है, ये जो विद्यालय ने इनोवेटिव जो कार्य किया है, उसके लिए मैं डायरेक्टर महोदय को बार बार धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी को घर पर बैठ करके आप सभी के घर पर वही सिस्टम उपलब्ध करवा दिया गया है जो सिस्टम ऑफलाइन क्लासेज में होता है। किसी भी प्रकार का परेशानी आपको यहाँ नहीं आएगी। बस थोड़ा सा धैर्य बनाते हुए आप अपने घर पर बैठ करके इन क्लासेज का अच्छी तरह लाभ लें। इसके अलावा किसी विद्यार्थी को यदि कोई भी समस्या हो किसी भी टॉपिक में, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। कमेंट में नहीं भी डालना चाहते हैं तो आप यहाँ मेरा या सर जो भी पढ़ा रहे हैं उन सबका नंबर, मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, आप उस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। आपको यहाँ उस नंबर के माध्यम से कोई भी समस्या आपके पाठ्यक्रम से संबंधित है, उस समस्या का समाधान तुरंत करवा दिया जाएगा। हालांकि कुछ बच्चों की समस्या होती है और वो समस्या भेजते भी हैं, उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान करवाया भी जा रहा है, लेकिन जो विद्यार्थी उनको लगता है विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन टू योर टीचर्स। आप बिल्कुल टीचर्स के जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज कर सकते हो कि सर फला फला टॉपिक में आई हैव ए प्रॉब्लम इन सच टॉपिक, आप वहां बात कर सकते हो। चलिए अधिक बात न करते हुए सीधे पॉइंट पर आते हैं और इस टॉपिक को समाप्ति की ओर ले जाते हैं। आप क्लास टेंथ की मैं बात कर रहा हूं, कक्षा 10 और कक्षा 10 में आपका टॉपिक कौन सा चल रहा? क्लॉज। प्रिय विद्यार्थियों, इस टॉपिक में यानी क्लॉज में आपको हु, हुज, हुम, विच इनके बारे में करवा दिया गया है। आप दोनों ही इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के विद्यार्थी पिछली एक क्लास में जो प्रथम विधि लिखाई थी WHOM, इसका हमने अध्ययन किया था। हालांकि इससे पहले वाली क्लास में हमने अध्ययन किसका किया था? विच का, और हुम की सेकंड विधि का अध्ययन किया था। लेकिन हुम की जो पहली विधि है उसके एक उदाहरण आप ले लीजिए, या एक उदाहरण आपको यह लिखता हूं, दीज आर द बॉयज आई गेव देम सम मनी। हुम से आप कनेक्ट करोगे तो कैसे कनेक्ट करोगे? दीज, देखिए व्यक्ति कहां दिया हुआ है बाद में, दीज आर द बॉयज, क्या लिख देंगे? WHOM, whom I gave them को हटा देंगे क्योंकि ये इन बॉयज का क्या है? ऑब्जेक्ट है। सम का सम
और मनी का मनी, इस प्रकार से आपका ये उदाहरण होगा, क्योंकि पिछले से पिछली क्लास में जब ये करवाया था तो इसके एक उदाहरण यहाँ लिखना छूट दिया था। आप इस एग्जाम्पल को लिख सकते हो इन द फर्स्ट मेथड ऑफ WHON, हु कंप्लीट हो चुका है, हुज हो चुका है, हुम हो चुका है, विच हो चुका है, ये सभी हो चुके हैं। इसके अलावा यहाँ हम बात करते हैं, आज आपका ये टॉपिक लगभग समाप्त हो चुका होगा, चलिए नेक्स्ट WHICH, विच विधि सेकेंड, विच की एक विधि आपको करवाई थी, दूसरी विधि नहीं, विधि सेकेंड की बात करते हैं तो लिखिए हिंदी मीडियम वाले, इस विधि में कोई निर्जीव वस्तु पेड़ पौधा या जानवर वाक्य के प्रारंभ में आता है, वह दूसरे वाक्य में उस वस्तु का सर्वनाम आता है जिसे हटा देते हैं। दोनों वाक्यों को जोड़ते समय प्रथम वाक्य की उस वस्तु को लिखकर विच लगाते हैं, वह दूसरा वाक्य प्लस प्रथम वाक्य का शेष भी लिखते हैं। ये इसका उदाहरण आपको लिखवाऊंगा, पहले अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे भी लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले समझिए कि इस विधि में वी आर स्टडिंग अबाउट विच एंड आई हैव टोल्ड द फर्स्ट मेथड ऑफ विच, हियर इज गिवन द सेकेंड मेथड ऑफ विच, मैंने पहली विधि विच की आपको करवा दी है, हम यहाँ बात कर रहे हैं सेकेंड विधि की, दूसरी विधि की। प्रिय विद्यार्थियों, इस विधि में कोई निर्जीव वस्तु पेड़ पौधा या जानवर वाक्य के प्रारंभ में आता है, शुरुआत में ही। पहली विधि में कहा बताया था, वाक्य के अंत में, जबकि दूसरी विधि में सभी में, जितने भी मैंने कराया अभी तक, हुम विच वगैरह, सभी में आपको दो विधियों में, एक तो वस्तु कहाँ आती है प्रथम वाक्य के अंत में, एक आती है प्रथम वाक्य के प्रारंभ में। दूसरी विधि में क्या होता है, वाक्य में प्रारंभ में वो वस्तु पेड़ पौधा जानवर आता है, वह दूसरे वाक्य में उस वस्तु का सर्वनाम आता है जिसे हम हटा देते हैं, लेकिन हटाएंगे कब, जब वाक्यों को जोड़ देंगे।
दोनों वाक्यों को जोड़ते समय प्रथम वाक्य की उस वस्तु को लिखकर विच लगाते हैं, वह दूसरा वाक्य प्लस प्रथम वाक्य का शेष भी लिख देते हैं। ये आपका यहाँ विच सेकंड विधि है। और अब हम बात करेंगे इसके बारे में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के बारे में। देखिए, इन दिस मेथड the non-living thing or animal is given at first in the first sentence. And the second sentence has, the pronoun of the thing. While connecting the sentences, we write the non-living thing then which, then the second sentence, and the rest of the words of the first sentence. ये आपका जो डेफिनेशन, इसके कुछ पहचान वगैरह, आपको कैसे कनेक्ट करना है, ये चीजें आपकी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए दी गई हैं। आप इसको कॉपी कीजिए, मैं समझाता हूँ ये क्या लिखा हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इन दिस मेथड, इस विधि में, द नॉन लिविंग थिंग, निर्जीव वस्तु या जानवर, इज गिवन, दिया जाता है, एट फर्स्ट माने पहले, इन द फर्स्ट सेंटेंस पहले ही वाक्य में, एंड द सेकंड सेंटेंस है, और दूसरा वाक्य रखता है द प्रोनाउन माने सर्वनाम ऑफ द थिंग मन, उस वस्तु का। पहले सेंटेंस में जो वस्तु नॉन लिविंग थिंग दी हुई है उस वस्तु का सर्वनाम कहा आएगा दूसरे वाक्य में। वाइल कनेक्टिंग द सेंटेंस, वाक्यों को जोड़ते समय वी राइट, हम लिखते हैं द नॉन लिविंग थिंग माने निर्जीव वस्तु, देन विच, उसके बाद क्या लिखते हैं, विच, देन द सेकंड सेंटेंस, उसके बाद दूसरा वाक्य, बाय रिमूविंग द प्रोनाउन, सर्वनाम को हटाते हुए, ऑफ द नॉन लिविंग थिंग, किसका, निर्जीव वस्तु का। निर्जीव वस्तु का जो सर्वनाम होता है उसको हटा देते हैं, एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ड्स ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस, और पहले वाक्य के जो शेष शब्द हैं उनको भी हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। ओके डियर्स,
देन द सेकेंड सेंटेंस दूसरा वाक्य एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ड्स ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस और पहले वाक्य शेष शब्दों को लिख देते हैं। आशा करता हूं यह आपने कॉपी कर लिया होगा, आपने उतार लिया होगा। उदाहरण लेते हैं, द बाइक has been sold I purchased it last month। प्रिय विद्यार्थियों ये आपका सेंटेंस यहां दिया हुआ है, द बाइक हैज बीन सोल्ड, बाइक बेच दी गई है। I purchased it, मैंने इसको खरीदा लास्ट मंथ माने पिछले महीने। आप इसको बनाओगे, देखिए वस्तु यहां दी हुई है द बाइक, फिर क्या है हैज बीन सोल्ड दिया गया है, फिर आई परचेज इट लास्ट मंथ, तो द बाइक का प्रथम शुरुआत में दिया गया है और इसी का सर्वनाम प्रोनाम कौन सा दिया हुआ इट। आप क्या करोगे द बाइक, फिर क्या लिखोगे Which, फिर क्या लिखोगे दूसरा बाइक, I purchased it को हटा देंगे, I purchased last month has been sold। इस तरीके से सेंटेंस आपका बनेगा। मैं आशा करता हूं ये आपके समझ में आ गया होगा। आप इसको कॉपी कीजिए, आप इसको उतारिए। प्रिय विद्यार्थियों ये आपका विच कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं वेयर, डब्ल्यू एच ई आर ई, वेयर डब्ल्यू एच ई आर ई, वेयर मीन्स होता है जहां। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखिए पहले, इसका प्रयोग किसी स्थान को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यदि प्रथम वाक्य के अंत में कोई स्थान सूचक शब्द हो और दूसरे वाक्य में उस स्थान सूचक शब्द का हेयर या देयर दिया हुआ है तो ऐसे वाक्य को वेयर से जोड़ते हैं। प्रथम वाक्य लिखकर
उस स्थान के पीछे वेयर लगाते हैं, वह हेयर या देयर को हटाकर दूसरा वाक्य भी लिख देते हैं। ये आपका डेफिनेशन भी हो गया, कैसे प्रयोग करना ये भी हो गया, और किसका प्रयोग करना ये भी हो गया। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हैं, वी यूज वेयर टू एक्सप्रेस द प्लेस। इफ द फर्स्ट सेंटेंस हैज ए वर्ड दैट एक्सप्रेसेस प्लेस, देन एंड लिखिए, देन के बजाय एंड द सेकेंड सेंटेंस हैज हेयर एंड देयर, हेयर और देयर of the place, then we connect the sentences with where. Write the first sentence, then where, then write, लिख लीजिए, समझ में ढंग से आया, then write where after the place and then the second sentence। ये हो गया। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ऊपर की डेफिनेशन उतारनी है और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को नीचे वाली डेफिनेशन उतारनी है। दोनों ही मीडियम वाले बच्चे इसको लिखिए या इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो विद्यार्थी हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं वो इसको लिखिए, और इसको भी लिखना चाहो तो इसको भी लिख सकते हैं। बिकॉज वी शुड स्टडी द डायरेक्ट वे ऑफ मेथड। अंग्रेजी में हमको जितना हो डायरेक्ट वे में पढ़ने की कोशिश करो। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता है, परेशानियां आती हैं। ओल्ड मेथड कहलाता है, पुराना मेथड कहलाता है कि हम किसी अंग्रेजी भाषा को पढ़ रहे हैं या किसी अन्य भाषा को पढ़ रहे हैं और हम उसको ट्रांसलेशन करके पढ़ रहे हैं, तो वो एक पुराना मेथड है, इसमें समस्याएं भी आती है। डायरेक्ट वे में पढ़िए। डायरेक्ट मेथड का मतलब होता है सीधे ही। We should not translate the word sentence as vak.
वी शुड लर्न इट एज सेंटेंस. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, ऐसे हमको पढ़ना चाहिए. चलिए आप इसको कॉपी कीजिए, आपके पास 5 सेकंड का यहाँ समय है, उसके बाद फिर बात करते हैं. प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं आपने इसको कॉपी कर लिया होगा, आपने इसको उतार लिया होगा. यहां से आगे चलते हैं. वेयर का मैंने आपको बता दिया, इसका प्रयोग किसी स्थान को व्यक्त करने के लिए किया जाता है. हम वेयर का प्रयोग कब करते हैं, जब हम किसी स्थान को व्यक्त कर रहे हैं. यदि प्रथम वाक्य के अंत में, ध्यान रखिए दो सेंटेंस हैं, एक सेंटेंस तो ये रहा और एक सेंटेंस ये रहा, दो सेंटेंस हैं, प्रथम वाक्य के अंत में यहां कोई स्थान सूचक शब्द आता है, इस जगह पर कोई प्लेस आता है, स्थान सूचक शब्द आता है, और दूसरे वाक्य में उस स्थान सूचक शब्द का हेयर या देयर आता है, या कोई जगह आ गई और इसी स्थान का हेयर या देयर इस सेंटेंस में आएगा, तो ऐसे वाक्य के पीछे, तो ऐसे वाक्य को वेयर से जोड़ते हैं. किससे जोड़ते हैं, वेयर से जोड़ते हैं. प्रथम वाक्य लिखकर उस स्थान के पीछे वेयर लगाते हैं. प्रथम वाक्य लिखकर उस स्थान के पीछे क्या लगाते हैं, वेयर लगाते हैं. वह हेयर या देयर को हटाकर दूसरा वाक्य भी लिख देते हैं. कहने का मतलब ये सेंटेंस लिख दिया या स्थान सूचक शब्द भी आएगा, दोनों वाक्यों के बीच वेयर लगा दिया, यानी इस वाक्य को लिखो वेयर लगाओ, इस वाक्य को लिखो, और इस वाक्य में से हेयर को और देयर को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं. इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को यहां लिखना है वो समझिए पहले. वी यूज वेयर, हम वेयर का उपयोग करते हैं टू एक्सप्रेस, व्यक्त करने के लिए. द प्लेस माने स्थान. इफ द फर्स्ट सेंटेंस है, यदि प्रथम वाक्य में ए वर्ड एक शब्द आता है, दैट एक्सप्रेस है जो व्यक्त करता है प्लेस माने स्थान को. एंड द सेकंड सेंटेंस, और दूसरा वाक्य हैज रखता है हेयर और देयर. क्या रखता है, हेयर, डब्ल्यू एच ई आर ई हेयर, या देयर टी एच ई आर ई. ध्यान दीजिए हेयर या देयर, इसका विशेष ध्यान रखना है आपको. आप क्या करोगे, उस सेंटेंस को हटा दोगे. ये रहा हेयर या देयर ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस. देन राइट वेयर आफ्टर द प्लेस एंड देन द सेकंड सेंटेंस. हेयर और देयर को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं. आपको नजर आ रहा है क्या उसमें, बिल्कुल साफ नजर आ रहा होगा मैं आशा करता हूं. ओके डियर्स, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहां उदाहरण की. उदाहरण यहां लेते हैं, दिस इज द प्लेस आई वर्क हेयर. आप इस सेंटेंस को किससे जोड़ोगे, वेयर से. दिस इज द प्लेस, यह वह स्थान है. आई वर्क हेयर, यहां मैं काम करता हूं. एक तो आ गया स्थान सूचक शब्द, दूसरा आ गया इसमें हेयर. आप क्या करोगे, दिस इज द प्लेस वेयर आई वर्क. हेयर को क्या कर देंगे, हटा देंगे. दिस इज
द विलेज. आई वॉज बॉर्न हेयर. वेयर से आप जोड़ोगे, कैसे जोड़ोगे? दिस इज द विलेज वेयर आई वॉज बॉर्न. ऐसे लिख दोगे, एक तो विलेज आ गया, हेयर को क्या कर दोगे आप, हटा दोगे. ओके डियर्स, आप इसको कॉपी कीजिए. नेक्स्ट लिखते हैं डब्ल्यू एच ई एन. डब्ल्यू एच ई एन वैन माने जब. लिखिए इसका प्रयोग किसी समय को व्यक्त करने के लिए किया जाता है. यदि प्रथम वाक्य में कोई समय सूचक शब्द है तो समय सूचक शब्द है और दूसरे वाक्य में उस समय का नाउ या देन THEN आता है तो वाक्यों को वैन से जोड़ते हैं. प्रथम वाक्य लिखकर समय के पीछे वैन लगाते हैं एवं नाउ या देन को हटाकर दूसरा वाक्य भी लिखते हैं. प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी इसको कॉपी करो, इसको लिखिए. मैं आगे इसको समझाता हूं. देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखिए इसमें आगे. यहां वी यूज डब्ल्यू एच ई एन. हम वहन का प्रयोग करते हैं. सॉरी एक मिनट, डिस्टर्बेंस. हम यूज उपयोग करते हैं डब्ल्यू एच ई एन किसका, वैन का. वैन माने क्या होता है, जब, समय को व्यक्त करने के लिए. वी यूज वैन to express time. If the first sentence
हैज द वर्ड दैट एक्सप्रेसेस टाइम एंड द सेकेंड सेंटेंस हैज नाउ और देन. Of the time then we connect the sentences with when. Write the first sentence and then when after time and write the second sentence by removing Now or then. ये आपका डेफिनेशन इंग्लिश में हमारे बच्चों के लिए है. जब WHEN वहन का मतलब होता है जब, इसका प्रयोग किसी समय को व्यक्त करने के लिए किया जाता है. यदि प्रथम वाक्य में कोई समय सूचक शब्द है और दूसरे वाक्य में उस समय सूचक शब्द का या तो नाउ आता है या देन आता है तो वाक्यों को WHEN वहन से जोड़ते हैं. प्रथम वाक्य लिखकर समय के पीछे क्या लगाते हैं, वहन लगाते हैं. ऐसे वाक्य आ गए यहाँ, ये दो वाक्य टाइम कहाँ आएगा, यहाँ आएगा और इस सेंटेंस में या तो नाउ आएगा या देन आएगा. तो हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस को लिखकर WHEN वैन लगा देंगे और फिर दूसरे वाक्य को लिख देंगे. लेकिन दूसरे वाक्य में इस समय का नाउ या देन या और कोई भी शब्द आता है तो हम उस शब्द को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं. नाउ या देन को हटाकर दूसरा वाक्य भी लिख देते हैं. इंग्लिश मीडियम वाले कहते हैं वी यूज, हम उपयोग करते हैं वहन का टू एक्सप्रेस, व्यक्त करने के लिए टाइम माने समय. इफ द फर्स्ट सेंटेंस हैज द वर्ड, यदि पहला वाक्य हैज रखता है द वर्ड माने शब्द, दैट एक्सप्रेस जो व्यक्त करते हैं करता है टाइम समय को. एंड द सेकेंड सेंटेंस है नाउ और देन, और दूसरे वाक्य में क्या होता है, या तो नाउ होता है देन होता है. ऑफ द टाइम उस समय का, कौन समय का, जो पहले वाक्य में दिया हुआ है. देन वी कनेक्ट, तो हम जोड़ते हैं द सेंटेंसेज उन दो वाक्यों को विद वहन, किससे, वहन से जोड़ते हैं. राइट द फर्स्ट सेंटेंस, पहले वाक्य को लिखो एंड देन उसके बाद वहन WHEN लिखो, आफ्टर टाइम किसके बाद, समय के बाद. एंड राइट द सेकेंड सेंटेंस, और दूसरे वाक्य को भी लिख दो बाय रिमूविंग, हटाते हुए नाउ और देन, नाउ को या देन को. ये उस क्वेश्चन में दिया हुआ आएगा कि दूसरे वाक्य में नाउ दिया हुआ है या देन THEN दिया हुआ है. ओके डियर्स, मैं आशा करता हूं ये आपकी समझ में आ गया होगा. उसी प्रकार से है जैसे कि WHEN वेयर है, उसमें आएगा स्थान, इसमें आएगा समय, वैसा का वैसा ही है. उदाहरण लेते हैं,
ये सेंटेंस आपका दिया गया है, इट वॉज संडे, ये रविवार था। आई वेंट टू बीकानेर देन, तब मैं कहां गया, बीकानेर गया। तो पहले वाक्य में स्थान सूचक शब्द कौन सा दिया गया है, संडे, SUNDAY, आई वेंट टू बीकानेर देन, उस समय मैं कहां गया, बीकानेर गया। अब आप ध्यान दीजिए कैसे बनाओगे, इट वॉज संडे व्हेन आई वेंट टू बीकानेर, इस प्रकार सेंटेंस बनेगा। देन को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि देन के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, WHEN। ध्यान दीजिए, हम देन को और वहन को एक साथ नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों शब्द एक ही बात को बताते हैं। लेकिन THEN देन जो है, THEN देन है, वो समय को व्यक्त करता है, जबकि WHEN वहन समय को भी व्यक्त कर रहा है और दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम भी कर रहा है। ये है इसमें अंतर। It was 9 o'clock. I appeared in the annual exam then. WHEN when से जोड़ना है। It was 9 o'clock. कितने बजे हुए थे, 9 बजे हुए थे। I appeared, मैं प्रकट हुआ, in the annual exam, वार्षिक परीक्षा में, then माने तब। It was 9 o'clock, तो बताइए समय कौन सा है, 9 बजे हुए। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने एक दिन और बता दिया था आपको, CLOCK, क्लॉक माने वस्त्र होता है, वस्त्र ऊपर से नीचे तक एक ही प्रकार का वस्त्र पहनते हैं, इसको लबादा कहते हैं, उसको बोलते हैं क्लॉक, किसी चीज में लिपटा हुआ, बंद, धूल में लिपट जाना, क्लॉक। तो ऐसे ही, लेकिन CLOCK के क्लॉक माने दीवार घड़ी भी होती है, लेकिन यदि ओ क्लॉक आ जाता है ये वाला, तो ओ क्लॉक का मतलब होता है बजना, 9 बजे हुए, ये ध्यान रखना। और ये जो को आता है हमेशा अकेला, ये कैपिटल ही आता है। आई आता है हमेशा, ये भी कैसा आता है, कैपिटल आता है। जब कभी भी अकेला आई दिया हुआ है तो वो किसी शब्द को दर्शा रहा है, और शब्द जो है वो प्रोनाउन है आई। अकेला जहां भी आएगा तो वो आपको ध्यान रखना है, कैपिटल में ही बनाना होगा। चलिए हम इस सेंटेंस को बनाते हैं, यहां कैसे बनेगा, इट वॉज 9 o'clock व्हेन आई अपीयर्ड इन द एनुअल एग्जाम, इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा। इट वॉज 9 o'clock, 9 बजे हुए थे, व्हेन आई अपीयर्ड, जब मैं प्रकट हुआ या बैठा हुआ था, एग्जाम दे रहा था, कौन सी परीक्षा दे रहा था, वार्षिक परीक्षा दे रहा था, तब 9 बजे हुए थे। ओके डियर्स, कोई भी कार्य दिया हुआ है और समय को व्यक्त कर रहा है तो वहां WHEN लगाते हैं। चलते हैं आगे, नेक्स्ट। HOW, how, how माने जैसे, जैसे
जिस प्रकार कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन वाक्य को जोड़ेंगे तब नहीं। हाउ मीन्स हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे पहले इसका प्रयोग तरीका व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यदि प्रथम वाक्य के अंत में कोई तरीका सूचक शब्द दिया हुआ है तो हाउ से दोनों वाक्यों को जोड़ते हैं। उस तरीका सूचक शब्द को हटाकर उसी स्थान पर HOW हाउ लिखते हैं। वह दोनों वाक्यों को जोड़ देते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, किस प्रकार आपका सेंटेंस यहां जोड़ा जाएगा, किससे? हाउ से। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहां से आगे लिखेंगे वी यूज HOW हाउ। टू एक्सप्रेस मेथड और वे, मेथड माने तरीका, WA वे माने तरीका। टू एक्सप्रेस मेथड और वे इफ द फर्स्ट सेंटेंस If the first sentence has any word या has a word that expresses method or way, then connect the sentences with HOW how.
राइट हाउ इन प्लेस ऑफ द वर्ड ऑफ मेथड एंड कनेक्ट बोथ ऑफ द सेंटेंसेस। चलिए यहां दोनों प्रकार के विद्यार्थियों को मैंने डेफिनेशन लिखा दिया है और बता दिया, समझा दिया इस तरीके से लिखना है। पहले समझिए हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए क्या कह रहा है ये, कि इसका प्रयोग, हाउ का प्रयोग तरीका व्यक्त करने के लिए किया जाता है, क्योंकि बता रहा है हाउ माने जैसे, जिस प्रकार। यदि प्रथम वाक्य के अंत में, प्रथम वाक्य के अंत में दो वाक्य आएंगे इस प्रकार से, यहां प्रथम वाक्य के अंत में कोई तरीका सूचक शब्द आता है तो हाउ से दोनों वाक्यों को जोड़ देते हैं और उस तरीका सूचक शब्द को हटाकर उसी स्थान पर हाउ लिखते हैं, वह दोनों वाक्यों को जोड़ देते हैं। कैसे? यहां तरीका सूचक शब्द दिया हुआ है, आप लिखोगे, इस शब्द को हटाओगे, हाउ लिखोगे और सेकंड सेंटेंस को भी लिख दोगे, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे वी यूज हाउ, हम हाउ का प्रयोग करते हैं टू एक्सप्रेस, व्यक्त करने के लिए, मेथड माने तरीका और वे, डब्ल्यू ए वाई वे माने भी क्या होता है, तरीका होता है। इफ द फर्स्ट सेंटेंस हैज ए वर्ड, यदि द फर्स्ट सेंटेंस पहला वाक्य हैज रखता है ए वर्ड माने एक शब्द, दैट एक्सप्रेस जो व्यक्त करता है, मेथड माने तरीका और वे माने तरीका, देन कनेक्ट तो जोड़ो द सेंटेंसेस, वाक्यों को विद हाउ, किससे जोड़ो, हाउ से जोड़ो। राइट हाउ, हाउ को लिख दो इन प्लेस ऑफ द वर्ड ऑफ मेथड, तरीका वाले शब्द के स्थान पर, यानी कि जो शब्द तरीका को व्यक्त कर रहा है, जो शब्द मेथड को दर्शा रहा है, जो शब्द वे डब्ल्यू ए वाई को दर्शा रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम उस तरीका सूचक शब्द को हटा देते हैं और उसी स्थान पर हम किसको लिख देते हैं, एच ओ डब्ल्यू हाउ को लिख देते हैं। चलिए मैं इसको मिटा करके उदाहरण आपके लिए लिखता हूं। I want to know the method. You have got success in NEET exam. आई वांट, मैं चाहता हूं, टू नो माने जानना, द मेथड माने तरीका। यू हैव गॉट सक्सेस इन नीट एग्जाम। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, इसमें प्रथम वाक्य के अंत में क्या दिया हुआ है, तरीका सूचक शब्द दिया हुआ। ध्यान आपको रखना है कि इसमें तरीका सूचक शब्द प्रथम वाक्य के अंत में ही आएगा और उस तरीका सूचक शब्द का कोई दूसरा सर्वनाम सूचक शब्द अभी हम पढ़ के आए हैं, who, whose, whom, which, where, when, इनको हम पढ़ के आए हैं, इनकी तरह इसमें
कोई ऐसा शब्द नहीं आएगा दूसरे वाक्य में कि वो शब्द आपको हटाना है। जैसे कि WHEN वहन में तो समय आ गया और दूसरे वाक्य में क्या आता है नाउ या देन, वेयर में स्थान यहां आता है दूसरे वाक्य में हेयर या देयर आ गया, WHO हु में व्यक्ति आ गया या कर्ता आ गया जिसको हटा देते हैं, WHOSE हुज में व्यक्ति आ गया और यहाँ हिज हर वगैरह आ गए उसको हटा देते हैं, WHOM हु में व्यक्ति आ गया और दूसरे वाक्य में कोई कर्म आ गया जिसको हम हटा देते हैं। बट माई डियर स्टूडेंट्स यू विल गेट ओनली द वर्ड दैट एक्सप्रेसेज ओनली मेथड और वे इन एट द लास्ट ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस बट यू विल नॉट गेट एनी अदर वर्ड इन द सेकेंड सेंटेंस ऑफ द मेथड, यानी कि दूसरे वाक्य में इस मेथड का इस तरीके को प्रकट करने का कोई दूसरा शब्द आपको दूसरे वाक्य में दिया हुआ नहीं आएगा। आप इसको बनाओगे तो क्या लिखोगे, पीछे आपको दिया हुआ है हाउ HOW इससे जोड़ोगे तो कैसे लिखोगे, आई वॉन्ट टू नो हाउ, इसको हटा देंगे इसके स्थान क्या लिख देंगे हाउ यू हैव गॉट सक्सेस इन नीट एग्जाम। दूसरा उदाहरण लेते हैं, प्लीज Tell me the way you have solved the problem। इस तरीके से सेंटेंस आता है और पीछे क्या दिया हुआ है हाउ, तो देखिए पहले सेंटेंस में प्लीज टेल मी द वे कौन सा शब्द आ गया है इसमें जो तरीके को प्रकट कर रहा है वे। आप इसको बनाइए, बना के देखिए कैसे बनता है, किस प्रकार से आप इसको बनाते हैं, आपको समझ में आया नहीं आया आप इसको बना के देखिए। WAY वे, वे माने तरीका, इस शब्द को प्रकट करने का यानी तरीका प्रकट करने वाला शब्द ये है, लेकिन दूसरे वाक्य में ऐसा कोई भी शब्द आपको दिया हुआ नहीं आएगा जो तरीके को प्रकट करेगा, आपको केवल HOW हाउ यानी कि कैसे जैसे जिस प्रकार ऐसे शब्द आपको आएंगे। प्लीज कैसे बनाएंगे, प्लीज टेल मी कृपया मुझे बताओ, वे को क्या कर देंगे हटा देंगे, हाउ यू हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम, इस प्रकार सेंटेंस बनेगा, कृपया मुझे बताओ जिस प्रकार तुमने समस्या को हल किया है वो मुझे बताओ, ये ऐसे बनेगा। अगला आता है WHY, वाई वाई माने ज्यों, यानी आप इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं क्यों, ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों वाई किसको प्रकट करता है, एनी रीजन और कॉज कारण को प्रकट करता है। मैंने जब आपको सेंटेंस बनाना बताया था, ये सेंटेंस को जोड़ना उससे पहले आपको बताया था कि हम रिक्त स्थान को कैसे भरते हैं, हाउ डू वी फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन, हम सही रिलेटिव प्रोनाउन इस रिक्त स्थान में कैसे भरते हैं ये मैंने आपको बताया था। तो उसमें क्या बताया था, WHO who किसी कर्ता को प्रकट करता है, WHOSE whose किसी संबंध को प्रकट करता है, WHOM whom कर्म को प्रकट करता है, WHICH which किसी निर्जीव वस्तु पेड़ पौधा जानवर को प्रकट करता है व्यक्त करता है एक्सप्रेस करता है, वेयर स्थान को वहन समय को व्यक्त करता है, अभी जो हम पढ़ के आए हैं HOW how ये किसी मेथड किसी तरीके को प्रकट करता है, जबकि अगला कौन सा है
वाई, डब्ल्यू एच वाई, वाई माने ज्यों या क्यों, ये किसी रीजन को प्रकट करता है, किसी कारण को प्रकट करता है, कॉज को प्रकट करता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद आपके दो रहे हैं, ये अगले उसमें कंप्लीट होंगे अगली क्लास में। एक तो है आपका वाई, डब्ल्यू एच वाई, और एक है आपका डब्ल्यू एच ए टी वॉट। तीसरा और है जिसको हम कहते हैं दैट, डब्ल्यू एच ए टी वॉट मीन्स होता है जो कुछ। एक दैट और है, लेकिन दैट का प्रयोग यहां या दैट के नियम यहां बताने की आवश्यकता नहीं है। जो नियम हु, हूज, हुम और विच इन चारों के हैं, वही नियम किसका है, दैट का। मान के चलिए किसी निर्जीव वस्तु, पेड़ पौधा, जानवर को जोड़ने के लिए क्वेश्चन में दैट आता है, कोष्टक में दैट से आपको सेंटेंस जोड़ना है, तो उस दैट का वही नियम होगा जो विच का है। यदि ब्रैकेट में यहां कोष्टक में दैट से आपको जुड़वा रहा है, दो सेंटेंस दिए हुए हैं, तो पहले सेंटेंस में देखिए कोई व्यक्ति दिया हुआ है, तो समझ जाइए कि दैट से हमें उस व्यक्ति को जुड़वा रहा है। इसलिए प्रिय विद्यार्थी आपको ध्यान देना है कि यदि कोई व्यक्ति आता है तो हु, हूज, हुम की तरह हम दैट का प्रयोग करते हैं। यदि कोई निर्जीव वस्तु, पेड़ पौधा, जानवर आता है तो डब्ल्यू एच आई सी एच विच की तरह हम दैट से दोनों वाक्यों को जोड़ते हैं। तो यहां कहने का मतलब यह है, एक तो है वाई और एक है वॉट, ये अगली क्लास में आपके आने वाले 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में आपका अलग ही टॉपिक चलेगा, लेटर राइटिंग, और आप चाहते हो तो मैं यहाँ पैराग्राफ राइटिंग शुरू कर सकता हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल करके लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते कोई बात नहीं, मैं अपनी इच्छा से दोनों में से किसी भी टॉपिक को शुरू कर दूंगा। कंपोजिशन ग्रामर जो है, रचनात्मक व्याकरण है, वो आपकी कल से यानी अगली वीडियो में प्रारंभ हो जाएगी। मैं आशा करता हूँ आपने इसको कॉपी कर लिया होगा और आप बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे होंगे, अपने आप को भविष्य के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। मैं आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। आई विश यू ए ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू वेरी